इस फिल्म को देखकर चार बार रोए थे शाहिद कपूर, बोले मेरी कोई भी फिल्म नहीं चल रही। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म कबीर सिंह में देखा गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में उनके अपोजिट कियारा आडवाणी थी। अब शाहिद जल्द ही सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म जर्सी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी इंडियन क्रिकेट पर आधारित है। स्टार स्क्रीन अवार्ड के मौके पर मीडिया से बात करते हुए शाहिद ने कहा, मैं दोबारा किसी रीमेक फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, मैं ओरिजिनल फिल्म करना चाहता था, वरना लोगों को लगता कि मैं बस रीमेक फिल्में ही कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने जर्सी देखी तो वह मेरे दिल को छू गया। मैं इसे देखते हुए चार बार रो पड़ा। इसका किरदार कबीर सिंह जैसा नहीं है, वह शांत है और कम बोलता है, लेकिन उसमें काफी गहराई है। शाहिद ने कहा, मैं इस कहानी से काफी जुड़ाव महसूस करता हूं क्योंकि मैं ऐसा सोचता भी था कि मुझे कुछ और करना चाहिए क्योंकि मेरी कोई भी फिल्म नहीं चल रही थी। हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वह सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी है। उसके बाद मैंने बगैर सफलता की चिंता किए अपने काम पर ध्यान दिया। फिल्म जर्सी की बात करें तो इसके हिंदी वर्जन का डायरेक्शन गौतम तिनौरी करेंगे। उन्होंने ही तेलुगु वर्जन को भी डायरेक्ट किया है। आलू अरविंद, अमन गिल और दिल राजू इसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिल्म की रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है। फिल्म अगले साल 28 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी।